हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया। और आप सोच रहे होंगे आज फिर कहाँ से चल रही है तैयार व्यार होके। तो आज मैं जा रही हूँ कीर्तन और मेहंदी का फंक्शन। एक्चुअली जो रोहित भैया और दीपिका है ना, तो उनकी कल फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी है। तो आज उन्होंने मतलब रखा हुआ है आंटी ने कीर्तन और मेहंदी। तो आज मेहंदी भी होगी और कल फिर होगी मैरिज एनिवर्सरी, फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी। कल पार्टी होगी तो आज मेहंदी वगैरह है और कीर्तन है। तो मैंने रेडी हो गई हूँ, मैंने सूट ही पहना है, साड़ी नहीं पहनी है। और मम्मी पहन ली है साड़ी, तो ग्रीन ग्रीन नहीं है एक्चुअल, थोड़ा सा अलग, पता नहीं कैसा है कलर, ग्रीन तो नहीं है ये। और मम्मी ये साड़ी पहननी है तो उनकी ग्रीन है, उन्होंने ग्रीन पहनी है। पर ऐसा कुछ था नहीं कि ग्रीन ही पहनना है, पर हम लोगों ने अपने मन से ही पहन लिया कि चलो मेहंदी हुई है तो ग्रीन पहन लेते हैं। तो बस अभी तैयार हो जाए मम्मी भी, मैं तो हो गई रेडी, तो निकलते हैं रोहित भैया के यहाँ पर। तो फिर आपको वहाँ पर मिलते हैं और आपको दिखाएंगे कि क्या क्या होता है। तो आप लोग हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। ये हमारी दुल्हन रानी को लग रही है मेहंदी और दुल्हन रानी शर्मा रही करी, मेरा फेस मत दिखाओ। और इधर दीदी ने भी लगवा ली है, दीदी भी शर्मा रही अभी मैं आ चुकी हूँ वापस। और देखिए मैंने भी मेहंदी लगवाई थी, दोनों हाथ की दिखाती हूँ आपको, दूसरे हाथ की दिखाती हूँ कैसे पकड़ूं। तो वहाँ पर मेहंदी मैंने लगवाई थी और दीदी ने लगवाई थी और दीपिका ने तो हाथ पैर दोनों में और आंटी ने भी। तो बस मेहंदी मेहंदी लग गई और ऊपर चल रहा था आंटी बहू का सुंदरकांड का पाठ। फिर उसके बाद भजन हुए और हम लोगों ने चाय पकौड़े भी खाए। और अभी बस घर आ गए हैं तो अब मैं फिर से चाय बना रही हूँ। मम्मी का चाय से मन नहीं भरा, उनको जब तक घर की चाय नहीं मिलती है उनका मन नहीं भरता है। तो मैंने अभी चाय चढ़ा दी है और अभी टाइम हो गया है 6:30। और इसके बाद अभी करेंगे शाम की आरती। पहले तो चाय पियेंगे बैठ के, फिर शाम की आरती करेंगे, फिर रात में डिनर की तैयारी। ना तो अभी चाय पी लेते हैं, फिर आपको थोड़ी देर में मिलेंगे। तो फाइनली फ्रेंड्स, हम लोग सारे हो गए हैं रेडी, बस हम निकलने वाले हैं और आपको फिर मिलते हैं सीधे वहाँ पर वेंकट हॉल में। मम्मी भी हो गई हमारी रेडी और हम सब बस निकल रहे हैं। इसमें है किट रोहित भैया के लिए और अंकल के लिए। हमारे घर भी पूरा फैल गया है। मम्मी पहले दूसरी साड़ी पहनने वाली थी, फिर मम्मी का अचानक से प्लान चेंज हो गया, फिर मम्मी ने दूसरी पहनी। फोन आप छोड़ रही हो? लाइफ पर्स ले लेगा। पहुंच चुके हैं वेंकट हॉल, तो चलिए चलते हैं अंदर। और डेकोरेशन काफ़ी अच्छी हो रखी है। और यहाँ पर आके मैं पूरे एक साल बाद आई हूँ, एक साल पहले भी आई थी यहाँ पर, तब क्या था, तब रिसेप्शन था, तो इसलिए मेरे मुंह पे बार बार रिसेप्शन नहीं आता है। और चलिए चलते हैं अंदर और आप लोग भी हमारे साथ बने रहिए।
तो हम लोग यहाँ पर जैसे ही पहुँचे थे यहाँ पर डांस परफॉर्मेंस कर ली थी। एक्चुअली हम लोगों ने थोड़ा सा लेट कर दिया था, प्रोग्राम थोड़ा पहले स्टार्ट हो गया था, तो हम लोगों ने केक कटिंग वगैरह मिस कर दी और डांस परफॉर्मेंस शायद मिस करी हो, पहले से ही चल रहा था। तो बस इसके बाद हम लोगों ने भी गए स्टेज पर, फ़ोटो क्लिक कराई और विश किया दोनों लोगों को। बस फिर इसके बाद मैंने मम्मी और पापा हम तीनों ने बैठ के स्नैक्स लिए और बैठ के डांस एंजॉय किया, मजे आ रहे थे। और वैसे हर रोज भैया उसका फिर से बिलोंग करते हैं, तो फिर वहाँ पर मतलब सब लोगों ने पहाड़ी गानों पर डांस किया। जब तक वहाँ पर पहाड़ी गाने नहीं मतलब चल रहे थे तो वहाँ किसी को मज़ा नहीं आ रहा था, फिर जब पहाड़ी गाने स्टार्ट हुए सब लोगों ने आंटी और मतलब जो भी वहाँ पर सारे लोग थे, आंटी आंटी गेस्ट वगैरह सभी लोगों ने खूब डांस किया, तो हम लोग को भी मज़ा आया। और बस इसी तरह से हम लोगों ने इंजॉय किया, खाया और पिया। और अगर आपको हमारा वीडियो ये पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।